Yes, hi all. This is Dr. Krishna Kumar and welcome to Behavioral Materia Medica series. Today we are going to see a remedy, a personality which is in disguise always, which is very evasive, which is very elusive. बहुत difficult होता है, बहुत मुश्किल होता है इस personality को clinic में catch करने के लिए, क्योंकि वो बातें ऐसी करता है जो कि सही नहीं होती है. उसका असली चेहरा वो कभी दिखाता नहीं है. ऐसा क्यों करता है? ऐसा कोई पर्सनालिटी या ऐसे कोई पर्सन क्यों करेगा जिसको अंदर की सही बातें बाहर दिखाई नहीं होती? क्योंकि वो एक अंदर एक झूठापन रहता है, कमजोरी होती है जो उसको दिखानी नहीं होती है. सो वी स्टार्ट विद दिस डिसीटफुलनेस एंड द रेमेडी इज लाइकोपोडियम, जिसको एक एम्बिशन होता है, पावर का एम्बिशन. ही हैज दैट एम्बिशन फॉर पावर. ये पावर का एम्बिशन कहां से आता है? क्योंकि वो खुद को अंदर से कम महसूस करता है, उसको वो पावर चाहिए होती है. सो दिस इज अ कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म ऑफ हिज इम्पोटेंस इनसाइड. एज डॉक्टर बेली हैज मेंशन, गिवन हिम अ थीम एज इम्पोटेंस, सो ही हैज दैट इम्पोटेंस वीकनेस इनसाइड विच ही कॉम्पेंसेट्स थ्रू द गेन ऑफ पावर, एंड फॉर दैट पावर ही इज रेडी टू डू एनीथिंग. अब ये पावर के लिए ना, ये कहां से आता है? वो देखता है घर में. दिस इज साइकोटिक ऑस्मोसिस एज सेड बाय कैथरीन गुल्टर, कि वो देखता है कि उसका चाचा है जो चाची को गाली दे रहा है, मार रहा है, और फिर भी रात को चाची उसको जाके खाना परोस रही है, प्लेट में सब सज धज के आ रहा है. उसको ऐसा लगता है पावर वर्क्स, यही सही जीने का तरीका है, इससे काम बढ़िया होता है, और इसी पावर की सर्च में, इसी एम्बिशन की सर्च में वो कुछ भी कर सकता है. एम्बिशन एम्प्लॉयज एवरी पॉसिबल मीन्स, साम दाम धंड भेद कुछ भी कर लेगा, लेकिन वो एम्बिशन. इसलिए ये सब लोग हैं जिनको एम्बिशन है, जिनको ऊपर जाना है, सीईओ बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना है. सो कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिक्स आर द टू ग्रेट फील्ड्स इन विच वी सी दीज पीपल, बिकॉज दे हैव दैट. और ये सब परफॉर्मेंस है, अंदर का झूठलापन छुपाना है, दिखाना है, इसलिए एंग्जाइटी एंटिसिपेशन होती है. कोई भी परफॉर्मेंस के लिए वो जो डर होता है, नक्स ओमेगा को कभी डर नहीं होता है, क्योंकि इट्स वेरी क्लियर, उसको एंटिसिपेशन की जरूरत ही नहीं होती अनलेस एंड अंटिल देयर इज क्राइसिस. लेकिन लाइकोपोडियम हमेशा एंटिसिपेशन में रहता है, उसको परफॉर्मेंस का डर रहता है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें छुपानी होती है, उसको बहुत सारी चीजें हासिल करनी होती है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है. इसलिए क्लिनिक में आके भी हमको काफी बार लाइकोपोडियम पहली बार मिस होता है, क्योंकि दे डिस्ट्रैक्ट अस, आंसरिंग डिस्ट्रैक्टिंग, आंसरिंग इवेजिव, आंसरिंग डिक्टेटोरियल, हिपोक्रेसी, राइट? दे हाइड बिहाइंड अ फसाड, दे हाइड बिहाइंड अ मास्क ऑफ गुडनेस. इसीलिए लाइकोपोडियम मिस होता है ऑलवेज, एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग एंटिसिपेशन, लॉन्ग वरीज एंड देन फेलियर्स, ही is sick, he becomes diseased. What are all other features of lycopodium, right? For example, he uses all kind of exploitation word, yaad rakho, exploitation. When lycopodium power ko, jaise usko power milti hai na, waisa wo exploit karne shuru hota hai. Jo niche hai unko exploit karta hai, upar walon ko haath jodta hai. Hard for inferiors and kind for superiors. बड़ा है उनकी चापलूसी करेगा, हाथ जोड़ेगा, हंसेगा, लाफिंग जॉयलेस, कोई जरूरत नहीं हंसने की. ऊपर वालों को अच्छे से टॉलरेट करेगा, नीचे वालों को दबाएगा, एक्सप्लॉइट करेगा, राइट? ये कहां से आता है? जैसे मैंने बोला, जो पावर के लिए जो उसकी प्यास होती है ना, क्योंकि वो खुद कहीं ना कहीं डोमिनेट हुआ होता है, खुद कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर से कम महसूस करता है, इसलिए ये थर्स्ट फॉर पावर है उसकी. आप हर चीज में वही देखेंगे, जो नीचे है उन पे दादागिरी करो, उनको दबाओ, और जो ऊपर है उनको बटरिंग करो, मस्का मारी करो, है ना, जैसे बोलते हैं. तो इसलिए उसके अंदर डर बहुत होता है, लेकिन उस डर को छुपाने की आदत होती है, वो किसी को दिखाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है ये अगर चीजें दिखेंगी तो दुनिया को पता चल जाएगा, और यही सिलसिला चलता रहता है. एम्बिशन की सर्च में, उस कॉम्पिटिशन में, उस पोजिशन में वो बीमार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है.
देर आर ऑल्सो फ्यू क्वालिटीज. अब ये सब छिपाने के चक्कर में ना कोई कोई चीजें वो कर जाता है, जैसे खुद के बारे में ज्यादा बढ़ाई करना. ही बोस्ट्स हिमसेल्फ, वही कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म. सो ही स्टार्ट्स बोस्टिंग हिमसेल्फ, बोस्टर, डेलीरियम इम्पीरियस. अदर क्वालिटीज आर प्रिजम्पच्युअस, जैसे नीचे लोगों को वो टेकन फॉर ग्रांटेड करता है या एक्सप्लॉइट करता है, वैसे ही ये चीज इसकी है, मतलब मेरी है. सो ये प्रिजम्पच्युअस एटीट्यूड होता है. और दो वर्चूज इसमें इंपॉर्टेंट है, वन इज डॉगमेटिक एंड प्रिजुडाइसिस ट्रेडिशनल. डॉगमेटिक इज दैट एटीट्यूड विच ही फील्स ही इज ऑलवेज राइट. जो उसके स्टबन थॉट प्रोसेस होते हैं, फिक्स आइडियाज होते हैं, थोड़े रिलीजियस आइडियाज होते हैं, एंड ही इज राइट. सो ही ट्राइज टू इम्पोज देम ऑन पीपल. ही डज दैट विथ हिज फैमिली, विद द पीपल हु आर हु लिसन टू देम, हु आर बिलो हिम. एंड सेकेंड इज ट्रेडिशनल प्रिजुडिसेस. ट्रेडिशनल प्रिजुडिसेस में क्या होता है, जब जब देखते हैं ना, आई प्रिस्क्राइब लाइकोपोडियम टू अ पर्सन हु हैड थ्री डॉटर्स एंड स्टिल ही वॉन्टेड अ सन. तो दीज आर ट्रेडिशनल प्रिजुडिसेस ऑफ लाइकोपोडियम, कि एक लड़का वंश बढ़ा देगा. इट्स अ प्रिजुडिस विच हैज कम डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो ये सब चीजें होती है, इन एडिशन टू दैट लव फॉर पावर, इन एडिशन टू दैट वीकनेस ऑफ इनसाइड. सो दिस मेक्स हिम अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स पर्सन टू अंडरस्टैंड. और जब भी डाउट हो लाइकोपोडियम की बातों में, आपको थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी लगे कि कुछ चीजें ठीक है और कुछ चीजें नहीं है, बताना नहीं चाहता है, बोलता नहीं है, डिप्लोमेटिक वे है, आप घर वालों को जरूर पूछे. लाइकोपोडियम कभी मिस नहीं करोगे क्लिनिक में. So, signing off now. See you again.